किडनी में स्टोन्स की समस्या काफ़ी लोगों को हो रही है, और इसका एक मुख्य कारण इसके बारे में जागरूकता का अभाव है। इसमें लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आपको कभी भी अगर कोई पीछे के हिस्से में बैक में पेन हो, या फिर आपको यूरिन में ऐसी कोई पेन के साथ में कोई ब्लड आना, ऐसा कुछ भी होता है, तो फिर आप इमीडिएटली जाके अपना चेकअप कराएं, जिसमें यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए मरीज़ को सलाह देते हैं। इसमें अगर कोई स्टोन ऐसा पाया जाता है जो कि किडनी या किडनी की नली, जिसे यूरेटर कहते हैं, उस हिस्से में होता है, तो फिर उसे ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल होती हैं। छोटे स्टोन जो होते हैं उनको आप दवाइयाँ देके दवाइयों के जोर से भी निकाल सकते हैं, और कुछ जो बड़े स्टोन्स होते हैं उनके लिए आजकल काफ़ी एडवांस सर्जरी, इंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, जिनमें आप एक छोटा सा किडनी में होल बना के या फिर आप पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल करके स्टोन को निकाल सकते हैं। इसमें मरीजों को सलाह दी जाती है कि जिन्हें स्टोन बनने की प्रॉब्लम होती है, वो कुछ चीज़ों का परहेज करें, जैसे खान पान में आपको बीज वाली चीज़ें जिसमें बैंगन, टमाटर, ये चीज़ें कुछ कम लेनी चाहिए, पालक कम लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑक्सलेट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, ऑक्सलेट्स बॉडी में स्टोन बनाने में हेल्प करता है, तो इन चीज़ों का सेवन कम करें। और जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, ये चीज़ें फल या फिर जूस के रूप में ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, करेला और गाजर ज़्यादा लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे मरीजों को आमतौर पर 8 से 10 ग्लास दिन में पानी पीना चाहिए।